गुड मॉर्निंग ब्लॉगर फ्रॉम बिहार में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बज गए हैं और हमारा वही नींबू वाला चाय, गर्म पानी हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी से आपको मिलवा रही हूँ। ये देखिए सुबह का शुरुआत हो चुका है तो हम लोग चाय पी लें और फिर दिन में क्या होता है आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे घर में एक स्कैम हो रहा है, मुझे लगा कि आप लोग को बताना जरूरी है तो मैं बताने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो स्कैम और फिर बताता हूँ क्या हो रहा है। स्कैम ये है कि मम्मी ने कल पनीर पराठा बनाया था और बोल दिया था कि मैंने बोला, ऐसा कोई नहीं था। आज भी मम्मी ने पनीर चिल्ली बनाया है और अगर बोलती है कि मैंने बोला था तो ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है मेरे साथ, यही स्कैम हो रहा था मेरे साथ। मैंने आप लोग से शेयर कर दिया, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्कैम ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा #NoScamWithPratik। देखिए दोपहर का समय है और ठंडा, काफ़ी ठंड है बाहर, धूप का नामो निशान नहीं है, काफ़ी ठंड लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ आज कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। इंटरेस्टिंग में यही है कि अभी मैं मटर उबालने जा रही हूँ, मटर, और रात को मटर का मैं क्या बनाती हूँ आप लोग ज़रूर देखें कि क्या बनने वाला है, आपको देख कर काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए मैंने जो मटर उबाल कर रखा था उसको मैंने मिक्सी में पीस के रखा है। सोना मिर्चा का पेस्ट बना लिया है, इसमें हल्दी और जीरा पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर दिए हूँ मैं, और इसको मैं फ्राई कर दूँगी। देखिए फ्राई कर दूँगी और इसी में ये मटर, इसमें नमक मिला के मैंने रखा है, इसको दोनों को मिक्स करके मसाला तैयार करूँगी। ये मसाला मैंने भून लिया है और इसमें ये मटर मिक्स कर दूँगी, और मटर मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ठंडा करने के बाद मैं किस चीज़ में भर के बनाती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो मैं कह रही थी इंटरेस्टिंग क्या चीज़ बनाने वाली हूँ मटर भर के, ये मड़ुआ का आटा है यानी रागी का आटा है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर घर में बनता है, शहर में तो ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं लेकिन गाँव में काफ़ी लोग बनाते हैं इसको, लेकिन मैं हर ठंडा में ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे आता है इसे को बनाना। ये देखिए इस ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे, और उसके बाद मैं इसे आप गर्म पानी से भी सान सकते हैं लेकिन मैं गर्म तावे पर इसको लोहिया बनाकर रखूँगी। और ये देखिए मैंने इसको सान लिया है और तवा मेरा गर्म हो चुका है तो मैं इसको ऐसे तवा पर रख दूँगी, ऐसे करके मैं बता रही थी कि ये गर्म पानी से भी सान सकते हैं लेकिन मैं इस तरह तवा पर रख लूँगी, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद मैं दिखाती हूँ फिर कैसे बनता है। और ये देखिए गर्म है, इसको ऐसे ऐसे पलट दीजिए, ये देखिए इसको कैसे गर्म हो चुका है। तरह करेंगे इससे क्या होता है कि फटता नहीं है, पानी ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे करके पूरी तरह से इस तरह करके तराती पे भी बनता है लेकिन मैं अपने सुविधा अनुसार ये प्लास्टिक ली हूँ, इसको यहाँ ऐसे रख के फिर इसको ऐसे ऐसे के हाथों से देखिए
करके, ऐसे करके, इसको तवा काफी गर्म होना चाहिए जब आप उस पर डालें। मैंने ये देखिए कैसे मैंने इसको इस पर डाल दिया है, उस तरफ तवा काफी गर्म है। देखिए इसको कैसे मैंने पलट दिया, और इसको आंच कम कर देंगे, धीमा आंच पर सेकेंगे। ये देखिए लगभग हो चुका है ये, और इसमें आप चाहो तो तेल लगा सकते हो या घी लगा सकते हो, घी लगाओगे तो और बेस्ट है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह, टेस्टी होने वाला है, और मेरे बच्चे भी काफी पसंद करके खाते हैं इसको। इसको क्या करेंगे अब देखिए, इसको करेंगे, ये देखिए इसे क्या होगा, देखो फूलने लगा है, फूल रहा है, और भी बड़े बेहतरीन हो जाता है कि आपको अगर शक है थोड़ा भी अच्छा होगा। ये देखिए बस, और ये हो गया तैयार। ये देखिए, ये रहा मड़ुआ यानी कि रागी का मटर भर के पराठा। वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और फिर एक नए ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, और जरूर बताएं कि आपने कभी मड़ुआ का रोटी या फिर राई का आटा का रोटी, रागी का खाया है कि नहीं, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।